हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब्स ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम आरसीसी डिज़ाइन सीखेंगे और एक वेरीफाई एग्जांपल, उसको ई टैब से वेरीफाई करेंगे। तो ये वो एग्जांपल है कि इसमें एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिस पर एक 37.778 यूडीएल लोड लगा हुआ है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ दी हुई हैं और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और इन्होंने मैन्युअली इसको डिज़ाइन किया है। इसमें डिज़ाइन मूवमेंट इतनी आ रही है, टेंशन रिइंफोर्समेंट, डिज़ाइन शीयर एंड शीयर फॉर्मेंस। अब हम इस एग्जांपल को ई टैब में करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ई टैब भी वही रिजल्ट देता है जो मैनुअली होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 6 मीटर का बीम है तो हमें 6 मीटर की एक ग्रिड चाहिए होगी और उसमें हम एक बीम ड्रॉ करेंगे। तो न्यू फाइल, इंडियन कोड के अकॉर्डिंग डिजाइन है, एसआई यूनिट्स है, तो इंडियन कोड स्टील डिजाइन IS 800 एंड आरसीसी डिजाइन IS 546। ओके, तो हमें कुछ ये ग्रिड 6 मीटर की, तो एच डायरेक्शन में ले लेते हैं, हम स्पेसिंग 6 कर देते हैं केवल, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके कर देते हैं। तो देखिए, हमें ग्रिड मिल चुकी है 6 मीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 6 मीटर के स्पैन है, हमें एक ही स्पैन की जरूरत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। तो हमें एक 6 मीटर का बीम चीज क्रॉस सेक्शन है 300 बाय 600, और उससे पहले हमें मटेरियल डिफाइन करना होगा। तो एक मटेरियल है जिसका ग्रेड है 15 और ई इलास्टिक मॉडुलस, पॉइजन रेशियो और मॉडुलस रिजिडिटी गिवन है। तो चलिए डिफाइन करते हैं हम। तो डिफाइन मटेरियल, एड न्यू मटेरियल, इंडियन कंक्रीट एंड ग्रेड M15। ओके, M15 तो मैं डिफाइन कर लिया, पर प्रॉपर्टी हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि E है इसका 19.635, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और डेंसिटी भी 25 से कैलकुलेशन होती है, 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा कंक्रीट है, पॉइजन रेशियो 0.2 है हमारा डिफॉल्ट, और शेयर मॉडुलस भी डिफॉल्ट है। तो ओके कर देते हैं हम। यहाँ देखिए लिस्ट में आ चुका है M15। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शन डिजाइन करना, 600 mm डेप्थ और 300 विड्थ। तो हम चलते हैं, डिफाइन सेक्शन फ्रेम, एड न्यू सेक्शन कर रहे हैं हम, रेक्टेंगुलर है हमारा सेक्शन, इसका टाइटल डाल देते हैं बीम, M15 हमने कंक्रीट लिया था ये सिलेक्ट कर लिया, और डेप्थ जो है वो 600 mm है और विड्थ जो है हमारी 300 mm, एंड ओके कर देते हैं। ये देखिए लिस्ट में बीम आ चुका है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से लेते हैं बीम और इस प्रॉपर्टी में, यहाँ पे प्रॉपर्टी में सेलेक्ट कर लेते हैं बीम, देखिए बीम, और अब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ हो चुका है। अब हम इस एक ही व्यू ले लेते हैं ग्रेड, और हम ये फोर्थ नंबर जो है यहाँ से हम एलिवेशन लेंगे, तो हमें बीम सामने से दिखाई देगा। एलिवेशन और ये हमारा बीम, और ग्रिड को हम हाइड कर लेते हैं। ठीक है, हमारा बीम आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम, पिन एंड रोलर। तो ये सपोर्ट है पिन और ये सपोर्ट है हमारे रोलर। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम बन चुका है। नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम में, नेक्स्ट एक यूडीएल लग रहा है इस पे 37.778,
तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड 37.778, ये लग गया। नेक्स्ट देखिए हमारा ई कंप्लीट हो चुका है, लगा चुके हैं, पॉइजन रेशियो जी भी हो चुका है, हमारा एफ सी के भी हो चुका है, हमारा लोड भी हो चुका है। अब हमारे पास क्या रह गया है, एक तो डी, डी क्या है आपका डेप्थ, ये डेप्थ क्लियर कवर माइनस करने के बाद, तो क्लियर कवर लगाना है हमें 37.5। दूसरा काम हमें रह गया कि हमें स्टील का ग्रेड 415 डिफाइन करना है, तो दो चीजें रह गई हैं, क्लियर कवर एंड स्टील का ग्रेड। तो चलिए देखो कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, बीम को सिलेक्ट करेंगे और जो उसकी हमारी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की थी सेक्शन प्रॉपर्टी, उसमें जाएंगे हम, ये रहा बीम, और इसको मॉडिफाई करेंगे, डबल क्लिक करके मॉडिफाई, ठीक है। इसमें हम जाएंगे, जैसे मैं स्टार्टिंग की वीडियो में बता चुका था कि जब टाइम आएगा तो मैं ये सब टैब बताऊंगा आपको, तो टाइम आ चुका है कुछ टैब्स का। तो देखिए जो प्रॉपर्टी मॉडिफायर है जो वहाँ से आपका साइन खुलता है, एक ये है मॉडिफाई शो रैबर, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिज़ाइन टाइप, तो हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, कॉलम या बीम, हम बीम करें तो बीम सेलेक्ट कर लेते हैं, बीम सेलेक्ट करते ही ऑप्शन हमारे कम हो गए। सेकेंड है रैबर प्रोटेरियल, कि जो आप डिजाइन के लिए स्टील यूज कर रहे हैं उसका क्या ग्रेड है। लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं आपके मेन बार और कॉन्फाइनमेंट बार होते हैं टाइस, तो दोनों के लिए हम ग्रेड सेम यूज कर लेते हैं, M F14 ये दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये रहा 415 415। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो हम इसमें चेक करते हैं 415 तो लिस्ट में है नहीं, तो ये जो ट्रिपल डॉट है इस पर क्लिक करेंगे हम, फिर ऐड मटेरियल करेंगे, देखिए कंक्रीट तो है इसमें, स्टील और हमें ऐड करना है, इंडियन कंक्रीट की जगह पे हमें क्या करना है रैबर, देखिए इसमें स्टील नहीं करना होता रैबर करना होता है, और ये एच वाई एस डी ग्रेड 415। इसके टाइटल हम एफ वाई कर लेते हैं, रेबर है ये सब सेम है, ओके कर लेते हैं, देखिए एफ वाई 415 आ चुका है। अब इसको लिस्ट में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए ये है आपका क्लियर कवर, टॉप पे जीरो है और बॉटम पे कितना है अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, टॉप पे तो कोई क्लियर कवर नहीं है, बॉटम में 37.5, तो इसको लगा लेते हैं, तो बॉटम में आपका 37.5, ठीक है। ये रिइंफोर्समेंट डिटेल है डक्टिलिटी के लिए, इसको अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम बाद में बात करेंगे, अब ओके पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है ओके और ओके। तो हम इस प्रॉब्लम में ई डिफाइन कर चुके हैं, पॉइजन रेशो जी, डी भी डिफाइन हो गया क्योंकि हमने क्लियर कवर दे दिया है, डब्ल्यू हम लोड लगा चुके हैं, एफ सी के भी लगा चुके हैं, एफ वाई भी लगा चुके हैं, ये सारी चीज़ हम दे चुके हैं। अब हम करते हैं डिज़ाइन, देखिए डिज़ाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले आप सॉरी डिज़ाइन की कंडीशन है कि डिज़ाइन हमेशा एक लोड कॉम्बिनेशन मांगता है जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोड कॉम्बिनेशन बनाएंगे, डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन ऐड लोड कॉम्बिनेशन, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम केवल एक लोड है हमारे पास, ये सेल्फ एड भी नहीं है इसमें, है ना, तो हमें कोई लोड कॉम्बिनेशन केवल एक ही बनाना है, डेड डेड प्लस लाइव या फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं लेना, क्योंकि हमें रिजल्ट वेरीफाई कराने हैं। तो मैंने डेड लोड ले लिया है यहाँ पे, स्केल इसका 1 है, कॉम्बिनेशन इसको डाल लेते हैं डेड 1, टाइटल ओके कर देते हैं, ये डेड वन आ चुका है ओके, ठीक है। अब आप जाएंगे डिज़ाइन, कंक्रीट डिज़ाइन व्यू रिवाइज प्रीफ्रेंस, इस पर जाएंगे पहले आप, कि अकॉर्डिंग टू कोड हमारी ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, अभी हम कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे ओके। फिर अगेन डिज़ाइन, कंक्रीट डिज़ाइन, इसके बाद जाएंगे सेलेक्ट डिज़ाइन कॉम्बिनेशन, तो जो कॉम्बिनेशन हमने डेड लिया था हम उसको ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब डिज़ाइन कंक्रीट, और यहाँ पे हम करेंगे एनालिसिस, पहले एनालिसिस करेंगे सर, एनालिसिस के बाद ही हमेशा डिज़ाइन होता है सभी सॉफ्टवेयर में। एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल लोड की वजह से फोर्सेस कैलकुलेट करना है, और डिज़ाइन का मतलब है उन फोर्सेस जो कैलकुलेट किए हैं उनसे हमें डिज़ाइन करना, तो इसलिए हमें पहले एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस हो चुका है, अब जाएंगे हम डिज़ाइन कंक्रीट स्टार्ट डिज़ाइन,
ये डिज़ाइन आ चुका है, अब इसके ऊपर कुछ आ रहा है। उससे पहले हम रिजल्ट पे चलते हैं, फिर हम चेक करते हैं एक चीज़ को। तो ये हमारी प्रॉब्लम सबसे पहले क्या कह रहा है, बेंडिंग मोमेंट 170 आ रहा है। सबसे पहले हम इसको मैच कराएंगे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। तो हम यहाँ से बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं वैल्यू के साथ। ओके, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट आ रहा है आपका 190 और प्रॉब्लम में कितना आ रहा है हमारा 170। तो कुछ तो गड़बड़ है। यस, गड़बड़ ये है कि इन्होंने जो हमारा सेल्फ वेट है वो क्या है, जीरो, इन्होंने कंसिडर नहीं किया है सेल्फ वेट। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मॉडिफायर आप सब जानते हैं, सबसे पहले अनलॉक करना होगा, क्लिक असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मॉडिफायर वेट जीरो मास जीरो एंड ओके। पीएम का मतलब प्रॉपर्टी मॉडिफाई की हमने बीम की, सेल्फ वेट जीरो किया है। अब एनालाइज करते हैं और बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं। बेंडिंग मोमेंट 170.001, तो 170 इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है आपका शियर फोर्स, ये डिजाइन शियर फोर्स 113, इसको और चेक कर लेते हैं पहले। तो शियर फोर्स यहाँ से आएगा 22, ओके 113, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। तो ये दो चीज हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब जाते हैं हम रिइंफोर्समेंट, तो हमें एक बार और डिजाइन करना होगा इसे, क्योंकि हमने कुछ चेंज किया था। तो देखिए इसका मतलब क्या है, 0508, फिर है हमारा मिडल में 0106, फिर है 0508। ये जो इसने बीम डिजाइन किया है, ये किया है इन्होंने सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम। सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम क्या होता है, जैसे कि ये है आपका रिइंफोर्समेंट केवल बॉटम में है सिंगली, इसलिए ऊपर जीरो लिखा आ रहा है हमारा और नीचे कुछ वैल्यू लिखी आ रही है। यहाँ पे जीरो आ रहा है, नीचे कुछ वैल्यू, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कुछ वैल्यू। तो 508 mm का मतलब है 508 mm square, यहाँ पे इतने पोर्शन पे स्टील डला हुआ है, 1006 यहाँ पे डला हुआ है, 508 यहाँ पे है, ठीक है। मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट कितना डला हुआ है, 1006 mm square। हम प्रॉब्लम में देख लेते हैं कितना है, 1006 mm square। अब हम देखते हैं रिइंफोर्समेंट, शियर रिइंफोर्समेंट। तो डिजाइन कंक्रीट डिजाइन डिस्प्ले, और यहां पे मैं कर देता हूं शियर रिइंफोर्समेंट। तो शियर रिइंफोर्समेंट हमारा कितना है, 332.53 पर एमएम पर मीटर। रिइंफोर्समेंट शियर जो रिइंफोर्समेंट होता है पर मीटर के हिसाब से डिजाइन होता है। और हम प्रॉब्लम में देख लेते हैं, जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो एमएम स्क्वायर पर एमएम दिया हुआ है। तो जो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट करके आया है उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा, 0.332 mm square per mm। तो हमारा ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा आरसीसी डिजाइन वेरीफाई एग्जांपल। अभी आरसीसी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रिइंफोर्समेंट केज भी बना देता है, ये ड्राइंग भी बना देता है रिइंफोर्समेंट की, डिटेलिंग की, वो सब हम आगे जाएंगे, एक ही वीडियो में ना डालें तो अच्छा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो हम करेंगे, मेरे पास टाइम की भी कमी रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कॉलम डिजाइन करेंगे, फिर और डिटेल में डिजाइन में जाएंगे। आप कंटेंट देख सकते हैं कि अब आपका कंटेंट बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया है। वेरीफाई एग्जाम्पल, स्टेयर केस मॉडलिंग, सर्कुलर स्टेयर, आरसीसी फ्रेम डिजाइन एनालिसिस, प्रॉपर्टी कैंटिलीवर स्लैब, कॉलम, सिस्मिक डिजाइन, टाइम हिस्ट्री, पुश ओवर, शियर वॉल, विंड लोड डिजाइन, डिफ्लेक्शन रिप। अब आपके बड़े बड़े टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इनके ऊपर आप, ये टॉपिक ऐसे हैं कि इन टॉपिक के ऊपर आप एमटेक में प्रोजेक्ट कर सकते हो, और आप बीटेक में प्रोजेक्ट कर सकते हो, और आप रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हो। ये इस तरह के टॉपिक हैं। तो अगर वीडियो आप, मेरी वीडियो आपके कुछ काम आई, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो आपका बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।